नमस्कार शिक्षार्थियों, आज आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में परिचर्चा प्रस्तुत करूंगा। भारत सरकार ने अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज पर संपूर्ण भारत में पर्याप्त विचार विमर्श किया गया और विभिन्न वर्गों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सन 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति 1986 नाम से प्रारूप तैयार करके जारी किया। यही भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानी जाती है। इस शिक्षा नीति को कुल 12 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में प्रस्तावना, द्वितीय खंड शिक्षा का सार तथा भूमिका, तृतीय खंड राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, चतुर्थ खंड समानता के लिए शिक्षा, पांचवें खंड में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, छठवां खंड तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, सातवां खंड शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, आठवां खंड शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना, नवे खंड में शिक्षक संबंधी सुझाव, दसवां खंड शिक्षा का प्रबंध कैसे हो, ग्यारहवां खंड शिक्षा हेतु संसाधन तथा समीक्षा के संबंध में है और बारहवां खंड शिक्षा के भविष्य से संबंधित है। अब पहला प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई प्रथम शिक्षा नीति, उसके बाद 1985 में आखिर क्या आवश्यकता महसूस की गई एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की उपलब्धियां स्वयं में महत्वपूर्ण थीं, किंतु यह भी सच है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणत नहीं हो सके, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजनाएं नहीं बन सकी, न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए और न ही वित्तीय एवं संगठन संबंधी व्यवस्थाएं हो सकी। परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाने, उसका स्तर सुधारने और उसका विस्तार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सके। संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं, गांव एवं शहर के फर्क को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने और आने वाली पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करने संबंधी चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति को तैयार किया। द्वितीय खंड जो कि शिक्षा के सार तथा भूमिका से संबंधित है, इसमें ये स्पष्ट किया गया कि हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा संस्कृति बनाने का माध्यम है, शिक्षा राष्ट्रीय एकता की भावना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, शिक्षा समझ एवं चिंतन को स्वतंत्र करती है, शिक्षा संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है, शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति को विकसित करती है, शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण का मुख्य साधन है। आप स्पष्ट रूप से यह समझ पाएंगे कि शिक्षा कई मायनों में कितनी महत्वपूर्ण है, कई किस्म के विकास इस पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय खंड में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक बच्चे को बिना किसी जाति, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस हेतु सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों को प्रारंभ करेगी। सन 1968 की
शिक्षा नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यह जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की संरचना हो। 10+2+3 ढांचे के पहले 10 वर्षों का विभाजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से किया गया, जो कि इस प्रकार है। प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग अनिवार्य होगा तथा शेष लोचनीय होंगे। शिक्षा व्यवस्था का यह प्रयास होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़े। शिक्षा व्यवस्था का यह उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल तथा जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रहों तथा कुंठाओं को समाप्त किया जाए। प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाएगा। पूरे देश में संपर्क भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। शोध, विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक तानाबाना नेटवर्क स्थापित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे अपने अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें। शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए तथा इस प्रकार के अन्य सभी लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र का होगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने ली कि साधन जुटाने के संबंध में पूरे राष्ट्र को आगे आना होगा। आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का मूलभूत लक्ष्य है और सार्वजनिक साक्षरता उसका अभिन्न अंग। युवा वर्ग, गृहिणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए भविष्य में खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंग होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। ये संस्थाएं NCERT, न्यूपा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहभागी होंगे। तृतीय खंड में समानता के लिए शिक्षा संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए। नई शिक्षा नीति असमानता को दूर करने पर विशेष बल देगी। महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के विकास में मुख्य बात उनको अन्य जातियों के समान लाना है। इसके लिए प्रोत्साहन, पूर्व मैट्रिक छात्र योजना, लगातार सूक्ष्म योजना, अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूलों, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता देने, पाठ्यक्रम व जनजातीय भाषाओं में अनुदेशन सामग्री विकसित करने, आवासीय स्कूल खोलने, प्रोत्साहन योजना बनाने जैसे उपायों को शीघ्र लागू किया जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा ताकि शिक्षक विकलांग बच्चों की समस्याओं से निपट सकें।
पांचवा खंड विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन से संबंधित, जिसमें पूर्व बाल्यकाल परिचय तथा शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई। और प्राथमिक शिक्षा में दो बातें, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सार्वभौमिक साहित्य, और दूसरी बात शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, जिससे वर्तमान में छूटे हुए क्षेत्र भी माध्यमिक शिक्षा की पहुंच में हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। विशिष्ट योग्यता या अभिवृत्ति वाले बच्चों के लिए गति निर्धारक स्कूल, पेस सेटिंग स्कूल देश के विभिन्न भागों में खोले जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। इसके बाद पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई और आप देख सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि उच्च शिक्षा संस्थाओं का एकीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों को पुनः रचित करना होगा। भाषाई योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को अधिक सहायता दी जाएगी और उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे। कंप्यूटरों का प्रारंभिक ज्ञान, उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का अंग होगा। महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जाएंगे। सातवें खंड में शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन किस तरह किया जाए, इस पर चर्चा है। आठवें खंड में शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रक्रिया का अभिनवीकरण, शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक पाठ्यवस्तु से मजबूत किया जाएगा, ऐसा सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। पुस्तकों तक सभी वर्ग के बच्चों की पहुंच हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रचनात्मक लेख लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएंगे। लेखकों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव थे। हिंसा, अलगाववाद आदि को बढ़ावा देने वाली घातक प्रवृत्तियों पर फिल्मों, वीडियो, अन्य जनसंचार साधनों, हिंसा, अलगाववाद आदि को बढ़ावा देने वाली तथा घातक प्रभाव वाली प्रवृत्तियों पर फिल्मों, वीडियो, टेलीविजन व अन्य जनसंचार साधनों पर अंकुश लगाया जाएगा। विज्ञान शिक्षा पर बल दिया जाएगा, जिससे बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता, वस्तुनिष्ठता जैसी योग्यताओं तथा मूल्यों का विकास हो। खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अंग होंगे, इनका भी मूल्यांकन किया जाएगा। युवकों में राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के प्रति सकारात्मक भावना विकसित करने के लिए NCC, NSS जैसी योजनाओं में से किसी एक में बच्चों को भाग लेना अनिवार्य होगा। सतत व्यापक मूल्यांकन लागू करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। माध्यमिक स्तर से सत्य प्रणाली शुरू करने तथा अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने जैसे उपाय किए जाएंगे। अध्यापक के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया, श्रेष्ठता, वस्तुनिष्ठता तथा आवश्यकता से अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक चयन विधियों को पुनर्गठित करना चाहिए। अध्यापकों का वेतन तथा सेवा शर्तें, उनके सामाजिक तथा प्रोफेशनल उत्तरदायित्व के रूप तथा इस प्रोफेशन में प्रतिभाओं को आकर्षित करने योग्य होना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों के प्रयास किए जाएंगे। प्रोफेशनल ईमानदारी और वर्तमान मर्यादा को बढ़ाने एवं कदाचार को रोकने में सहायक अध्यापक संघों को सार्थक भूमिका अदा करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया, प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद पूरे देश में प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और इस महत्वपूर्ण सुझाव के बाद पूरे देश में डाइट की स्थापना हुई। दसवें खंड में शिक्षा का प्रबंध कैसे होगा, इस संबंध में सुझाव थे। शिक्षा की योजना एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दीर्घकालिक योजना बनाने, विकेंद्रीकरण और शिक्षा की संस्थाओं को स्वायत्तता की भावना से उत्प्रोत करने, योजना व प्रबंध में महिलाओं की सहभागिता, उद्देश्यों व मानकों के संबंध में उत्तरदायित्व, इस परिवर्तन में निर्देशक बिंदु होंगे।